पिक्चर देखी होगी आपने, केरला फाइल देखी हो पिक्चर जी? क्या देखा उसमें? वो धर्म परिवर्तन कराते लड़कियों को बहका के। वही तो आपके साथ हो रहा है और आपका धर्म परिवर्तन कर भी दिया उन्होंने। आप जैसी हमारे धर्म में तो कन्या को देवी कहा जाता है, आप जहाँ गई हो वहाँ तो केवल आप भोग का सामान बन के रह जाओगी। देखो जी, मैं भी क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ बोलता सी ना, मैं भी उन्होंने गालां कढ़दे, कहते पास्टर मेरे घर आए तो कुटूंगा इन्हां नूं। सानूं सच्चाई पता लगी, अज असीं परमेश्वर दा काम कर रहे। जय मसीह की। दोस्तों अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अनिरुद्ध आचार्य बाबा की, और एक वीडियो दिखाऊंगा परमेश्वर के अभिषिक्त दास की। आज दोस्तों आपको पता लगेगा कि इन फर्जी बाबाओं में और परमेश्वर के दासों में क्या अंतर होता है। दोस्तों इस बाबा का मैंने आपको एक बयान सुनाया था जिसमें लड़की को मैनिपुलेट करता है, उसके दिमाग को घुमाने की कोशिश करता है। केरला स्टोरी जो फिल्म दोस्तों आई थी अभी कुछ समय पहले, उसका जिक्र करके कि जैसे उसके अंदर धर्म परिवर्तन करवा करके लड़कियों को उनके साथ गलत काम किया जाता था, वैसे ही ये क्रिश्चियन जो लोग हैं ये भी तुम्हारे साथ यही करेंगे, तुम्हें भोग की वस्तु बना करके छोड़ देंगे। आप समझते हैं दोस्तों, उस 16-17 साल की लड़की से ये इस तरीके से कुछ बातें करता है, इस तरीके से उसको बोलता है। पहले दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पिक्चर देखी होगी आपने, केरला फाइल देखी हो पिक्चर जी? क्या देखा उसमें? वो धर्म परिवर्तन कराते लड़कियों को बहका के। वही तो आपके साथ हो रहा है और आपका धर्म परिवर्तन कर भी दिया उन्होंने। आपको पता ही नहीं चला कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया, माइंड वॉश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, आपके मन से कृष्ण को और यीशु को बिठा दिया। यही तो धर्म परिवर्तन है बेटा। द केरला फाइल्स मूवी बनी तो केरला मूवी में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सत्य घटना है। लड़कियों का ऐसे ही माइंड वॉश किया जाता है जैसे आपका हो चुका है। आप समझ लो अपनी माँ की, अपने धर्म को जानो बेटा, बहुत गलत राह पर चली जाओगी। कल को आपसे ही सारा काम करेंगे वो लोग। आप जैसी हमारे धर्म में तो कन्या को देवी कहा जाता है, आप जहाँ गई हो वहाँ तो केवल आप भोग का सामान बन के रह जाओगी। अभी आपने इस वीडियो को देख लिया दोस्तों, आपने सुना कैसे इस बाबा ने द केरला स्टोरी का जिक्र यहाँ पर किया। हालांकि दोस्तों वो एजेंडा वाली फिल्म थी, बाद में जब उसके खुलासे हुए तो पता लगा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है हमारे देश में, और जो इक्का दुक्का केस ऐसे हैं भी वो भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो ऐसी एजेंडा वाली फिल्म जो कि असली है ही नहीं, जिसके आंकड़े असली नहीं है, जिसमें क्रिश्चियन लोगों का कोई लेना देना भी नहीं है, उसको बता करके दोस्तों ये बाबा इस लड़की को मैनिपुलेट करता है। लेकिन अब आप दोस्तों इस वाली वीडियो को देखिए और अब आपको पता लगेगा कि एक बाबा में, जो एक फर्जी बाबा है, और एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास में क्या फर्क होता है, उनकी सोच में क्या फर्क होता है, गीता पढ़ने वाले और बाइबल पढ़ने वाले में क्या फर्क होता है। जरा आप इस वीडियो को देखिए। हले तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखो जी, मैं भी क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ बोलता सी ना, मैं भी उन्होंने गालां कढ़दे, कहते पास्टर मेरे घर आए तो कुटूंगा इन्हां नूं। ते जे मेरे ते कार्रवाई हो जाती मैं पास्टर नहीं सी बनना है ना, तो मैं भी इस टाइम कि नुकरे लगा होना सी, गुस्सा करते होना सी, मेरे ते कार्रवाई हुई तो मैं एक दुश्मन बन जाना सी। ते परमेश्वर ने कहा दुश्मनों नूं प्यार कर, काहदे लई कि असीं भी उही सीगे, सानू सच्चाई पता लगी, आज असी परमेश्वर दा काम कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को कलकत्ता या कलकत्ता के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो आने वाली 5 जून को सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक चंगाई सभा कलकत्ता में होने वाली है। इस चंगाई सभा को लेने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल वहां पर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप सबों के लिए यहां पर प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी परेशानियों के लिए यहां पर प्रार्थनाएं की जाएंगी, परमेश्वर के वचन से आपको तृप्त किया जाएगा। चाहे आपके जीवन में कैसी बीमारी परेशानी हो, आप आ सकते हैं इस चंगाई सभा में। ये चंगाई सभा 5 जून को होगी सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। सेवा केंद्र कोलकाता में आपको आना है, स्क्रीन पर अभी आपको ये पूरा एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आना ना भूले इस चंगाई सभा में, आप भी आए और अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए। अभी दोस्तों आपने अंकुर नरोला जी का ये वीडियो देख लिया, आपने सुना कैसे अंकुर नरोला जी अपने बारे में बताते हैं कि एक समय पर वो इतने विरोधी हुआ करते थे कि वो इस बात को बोलते थे, अगर पास्टर मेरे घर में आ गए तो मैं उनको मारूंगा, उनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करूंगा। लेकिन जो पास्टर थे उन्होंने कभी भी मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने मेरे खिलाफ कभी भी कोई भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं दी, और अगर मेरे खिलाफ एक्शन हो जाता तो मैं कभी भी शायद पास्टर नहीं बनता और मैं एक तरफा इस धर्म का विरोधी हो जाता। लेकिन पास्टरों ने मुझसे बहुत प्यार किया, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, और आज परमेश्वर मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मीडिया रिपोर्टर ने सवाल पूछा था अंकुर नरोला जी से कि लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर ये बयान अंकुर नरोला जी ने दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार्रवाई किसके ऊपर मांग हो रही थी, तो मैं आपको बता दूं, जो बागेश्वर धाम वाला बाबा है, आपको याद होगा कुछ समय पहले अमृतसर में आया था और उस बाबा ने आकर के अमृतसर में हालेलुया का मजाक बनाया था। गोल्डन टेम्पल में गया था वो व्यक्ति, और जब वहां से निकला तो जब मीडिया ने उसको घेर लिया
तब उसने क्रिश्चियन लोगों का मजाक बनाया था, हालेलुया शब्द का मजाक बनाया था। तो उस समय पर जो पंजाब के क्रिश्चियन हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब ये बागेश्वर धाम वाले बाबा को हम पंजाब में घुसने नहीं देंगे और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी के बारे में दोस्तों ये सवाल था जो मीडिया रिपोर्टर ने अंकुर नरोला जी से पूछा था और आपने उनका जवाब सुना। ठीक ऐसा ही दोस्तों मुझे इस बाबा के लिए भी लगता है कि हमें इस बाबा से प्रेम रखना चाहिए, चाहे ये बाबा क्रिश्चियन लोगों को लेकर के कुछ भी बोलता रहे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का आपको सिर्फ एक ही मकसद था कि एक परमेश्वर के दास में और एक बाबा में क्या फर्क होता है, आपने सुन लिया इस वीडियो में। एक परमेश्वर का दास भाईचारे की बात करता है और ये लोग आपस में लड़वाने की बात करते हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ ये लोग बाबा बोलते हैं, अपने प्रचार में बोलते हैं। अगर इनको अपना प्रचार करना है तो करें, इनको कौन रोकता है। क्या आप कभी किसी परमेश्वर के दास को देखते हैं कि वो कभी बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में कुछ बोल रहा हो, कभी इस बाबा के खिलाफ बोल रहा हो? कभी भी ऐसा दोस्तों आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों को दोस्तों जलन होती है कि आज के समय में क्रिश्चियनिटी ऐसे कैसे बढ़ रही है, जो चर्चिस के अंदर भीड़ है वो क्यों बढ़ती जा रही है, और इनको शायद डर लगता है कि जो ये काम करते हैं इनका ये काम चौपट हो जाएगा अगर ऐसा चलता रहा तो। इसलिए ये आए दिन उल्टे सीधे बयान मसीह लोगों को लेकर के देते हैं। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।